रेली गैस लिखी हुई है यहाँ पे, कोई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की लिखी हुई है। और आरती क्लिनिक वाले मेरे चाचा है, उनकी पूरी फैमिली भी होश है, सबको बॉडी भेज दिया है। बस एक कितने बंदे मर गए अभी, मैं अपने चाचा को जानता हूँ, मैं बाकी को नहीं जानता क्योंकि मैं अभी आया हूँ। लगभग कितने आदमी मर गए हैं? लगभग तो मैं कहने देता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मान के चले मिनिमम 8 लोग तो मरे होंगे। 8 लोग मेरा लड़के, मेरे आपसे वही बात किया, हाँ। मैं क्या कहूँ, मेरा परिवार अंदर है, हम लड़का मेरा बाहर, मतलब डेड बॉडी के उठा उठा के मतलब गाड़ी में घर है, मैं क्या आपसे बताऊँ। क्या फैक्ट्री कुछ रिली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? कुछ मालूम नहीं है सर, मैं तो मैं पीछे रहता हूँ। ठीक है, पता लगा कि मेरे घर का आदमी 5 बेहोश है। कितने आदमी? 5 आदमी बेहोश है। तो आसपास के लोगों को भी चढ़ गई है गैस? हाँ, लोग जितने वहाँ पर सारे के चढ़ी हुई। लुधियाना के गैसपुरा इलाके विच अज तड़कसार एक फैक्ट्री विचों गैस लीक होने करके कई लोग इस दी लपेट विच आ गए। इस गैस दी लीकिंग गैसपुरा दे सूआ रोड ते स्थित फैक्ट्री चो हुई है, जिथे मौके ते NDRF दीआं टीमां पहुंच के लोगों नूं बचा रही ने। इस घटना करके इलाके विच सहम दा माहौल है ते जिस थां ते गैस लीक हुई है उस नूं पुलिस ने सील कर दिता है अते लोगों नूं उस थां तों दूर कीता जा रहा है तां जो कोई होर इस गैस दी लपेट विच ना आ सके। टीम का पूरा टीम है हमारे पास। तो अभी ये शुरू करने अभी हम ऑपरेशन शुरू करेंगे सर। कितनी देर में करोगे? अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी हम पहले देखेंगे क्या सिचुएशन क्या है, उसके बाद। कैप्टन साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर लाल सिंह सुखवाल, 13 NDRF। अच्छा, सर जैसे आप पहुंचे हो अभी आपको स्मेल हो रही है, आपको कुछ आइडिया लग पाया है कि ये कौन सी स्मेल हो सकती है? अभी अभी आ रही है हमारे पास, आले हमारा एक व्हीकल आ रहा है जो चेक करेगा कि कौन सी गैस है, उसके बाद हम कुछ आपको आईडिया है, कुछ अंदाजा है आपको? अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे आपको। ठीक ठीक। कितने लोगों की टीम सर यहाँ पर काम करेगी अभी? अभी हमारी लगभग 40-50 आदमी टीम यहाँ पर है काम करेंगे। जी जी। अच्छा, कुछ पता चला कितनी? अभी चेक करेंगे, उसके बाद आप कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितनी डेथ हुई है और कितनी गैस है, कुछ पता लग सके? देखो, बड़ी पहली गल तो बड़ी मंदभागी घटना हुई है जिथे परिवारों का नुकसान होया। गैसपुरा 33 फुटा रोड है, करियाना स्टोर के उत्ते घटना हुई है, कमल करियाना स्टोर। ये डॉक्टर आरती आ, 3-4 फैमिलीज है जिन्हें जेडे पूरे परिवार के मैंबर मतलब नुकसान हो गया जिन्हों का, तो बड़ा मंदभाग है। किन्ने लोगों की डेथ हुई है? मुलाजमान के दसन के मुताबिक 10 to 12, बाकी हॉस्पिटल डेड बॉडी भेजी हुई हैं तो कन्फर्म हो जाएगा। गैस हजे तक पता नहीं लगी, टीम पहुंचने लगियां ते NDRF दीआं टीमां बुलाईआं गईआं, हुणे ओह पहुंचण लगियां, ओह पूरा एनालिसिस करनगियां इह गैस किहड़ी सी, इह होया किद्दां, उस तों बाद करांगे। कहिंदे पुलिस करमी वी कोई बेहोश जिहड़े साडे मुलाजम डेड बॉडी रख चक्के एंबूलेंस दे विच रख रहे सीगे ओह वी बेहोश होए। ते हाल फिलहाल एरिया नूं सील कर दित्ता गया? बिल्कुल सील कर दित्ता गया जी। अपील की करना चाहोगे लोगों नूं, आसपास दे लोगों नूं? मैं आसपास दे लोगों नूं कह रही हूँ कि सानूं पूरा सहयोग दिओ और जिथे जिथे घटना हुई है, जिथों जिथों एरिया असी सील किया उहदे आले दुआले प्लीज दूरी बना के रखो जी। मैम, जिहड़ा कंपनसेशन दे लई भी कहा गया और जांच दे विच किस तरीके दी जांच हुण तक सामने आई है? सैंपल्स लिए जा रहे हैं टू टेस्ट कि क्या गैस, क्या केमिकल वगैरह है और कहां तक उसका स्प्रेड है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इमीडिएट सकर अनाउंस की गई है वो मैं आपको बता चुकी हूं। अभी तक सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, लोगों को अपील है कि वो ध्यान रखें, मास्क पहने, और जो कॉर्डन का एरिया है वो हम थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं। मैम, कंपनसेशन के लिए भी बोला गया पंजाब सरकार की ओर से? 2 लाख रुपये जिनकी डेथ हुई है, 50,000 जो इंजर हुए हैं और सारी मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें शामिल है। थैंक यू वेरी मच। वो अंदर हो जाओ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਆ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ RAF ਦੀ ਟੀਮ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਸਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਵਲ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
नहीं वो गैस जिहड़ा हैगा वो टेक्निकल जिहड़ा टीम हैगी वो देखेगी की हैगी कित्थे की सोर्स है कित्थों लीक हैगी है उहदे लई असीं एक्सपर्ट नहीं है। बिल्कुल सी इलाका जिहड़ा हैगा हले करा रहे क्योंकि घनी आबादी हैगी है ते हले जिहड़ा प्रोसैस है चल रहा मुलाजमान भी चढ़ रही है गैस इस करके मैं एनडीआरएफ की टीम जी रास्ते चो कर रही है नहीं हले कुछ नहीं कमेंट नहीं कर सकते। अज साढ़े पिंड दे विच इह बड़ी मंदभागी घटना वापरी है। मेरा पिंड आ जद्दी पिंड आ मेरा और बहुत दुख ते अफसोस की गल है कि नौ जिहड़े जी ने उन्हां दी मौत हो गई है दर्दनाक मौत हुई है ते जिहड़ी गैस है वो हजे भी तुसीं देख रहे हैं जिथे आपां खड़े हाँ इत्थे भी चढ़ रही है आपां नूं नाले उत्थों आपां 500-700 मीटर जिहड़ा हैगा स्पॉट तो दूर हाँ और ये जिहड़ी हैगी आ बड़ी हजे तक इहदा क्लीयर नहीं हो सकिया कि कित्थों हो रही है कि इहदे सोर्स ने कित्थों इहदा पॉइंट आ जित्थों गैस लीक हो रही है और साडियां टीमां लगियां होईयां ने और सीएम साहब भी सारी लगातार मोनीटरिंग कर रहे ने मेरे नाल भी एक दो बारी उन्हां नाल अज सवेर दी गल हो चुकी है और बड़े चिंतित ने और जिहड़े पीड़ित परिवार ने उन्हां नूं उन्हां वल्लों संदेश है कि वो सारे जिहड़े पीड़ित परिवार ने घबराउणा सरकार पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हां दे नाल है और उन्होंने लिए सीएम साहब बड़ी जल्दी कोई जड़ा हैगा योग राशि भी ऐलान करनगे पर ये अज सब तो पहला जरूरी यह है कि यह हो कितों रहा हो और मैं भी गल तो कह रहा कि जिड़ा भी ये दोषी पाया जाऊगा कोई भी बंदा बख्शिया नहीं जाऊगा और मैं जिन्हें भी थोड़े सारे चैनल ने इन्हों बड़े लोग देखते हैं मैं उन्होंने बेनती करूँगा थोड़े जरिए क्योंकि बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट है कि इस एरिए ग्यासपुरा एरिए अज आने तो ग्रेज़ किया जाए क्योंकि अज इतें भी सानू गैस की जड़ी हैगी स्मैल आ रही है तो सानू एरिए सारियां साथ देना चाहिए प्रशासन का क्योंकि साढ़े लिए लगे हुए हैं जे किसी कोई प्रॉब्लम होंगी है तो वो असी चिंतित आता ही असी सारे जने इतने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप उतों दूर हटिए एरिए लोग खाली कर मौत हो चुकी है पर कितने कितने कहा जा रहा है बड़ी गिनती लोग जो गंभीर अवस्था में 24 से 25 नहीं 11 लोग सके एडमिट ने जोड़े मैं सारी डिटेल ली है तो दो बंदे थोड़े वो ठीक ने हालत उन्हों की तो नौ की हुई है बाकी जी डिटेल आ सू आने वाले समय से पता लग जूगी और जी डिटेल पूरी सूँ पुलिस तो पता लग जाएगी गैस लीक हुई थी जाँच पड़ताल की जा रही है कार्रवाई की जाएगी जो भी 100% जोड़ा भी बंदा दोषी पाया जाऊगा उन्होंने बख्शा नहीं जाऊगा किसी भी कीमत तो क्योंकि इन्ना वही गिणती के जाना का मनुखी जाना का नुकसान हो जाना और वो जड़े बंदे ने जड़े मनुखता के कातल ने वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम साहब की सख्त हदायत है कि वो किसी भी बंदे दे उत्ते जड़ी है सख्त तो सख्त कार्रवाई हो रेजिडेंशियल एरिया पर कह सकते हैं मिसयूज लैंड पर कितने कितने जिहे हादसे वापरदे ने बाद विच प्रशासन जागदा लगता नहीं कि पहला जिहड़ियां कार्रवाइयां नहीं देखो एरिया बड़े लंबे समय तो अज का नहीं बई जी 92 तो इतने इंडस्ट्री चल रही है जदों तो असं छोटे से बच्चे से उदों तो इंडस्ट्री चल रही है जे अज कोई हुई है किसी की गलती दे नाल हुई है ऐसी कोई गल नहीं है वो कारण देखे जाएंगे और जिहड़ा भी दोषी होगा उन्होंने बख्शा नहीं जाऊगा। थैंक यू सर।